जी, जो चर्चाएं हो रही है, देखिए पहली बात तो आम आदमी पार्टी बधाई की पात्र है और उनको बधाई और उत्तरदायित्व भी बड़ा मिल गया है, क्योंकि ये जो जीत है इसके साथ साथ उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि उम्मीदें देखिए, दिल्ली की जनता की उम्मीदें कितनी ज्यादा है कि सारी जनता उनके साथ गई है। तो मेरे का बधाई और मेरी शुभकामनाएं कि वो दिल्ली में एक सफल सरकार दे, लोगों की आकांक्षाओं पे उतरे। हम लोग राजनीति में, दल तो हमने चुना हुआ है, लेकिन हमारा सबका जो एक सोच का दायरा है वो ये है कि देश और प्रदेश, इसमें अच्छी राजनीति हो, लोगों की सेवा हो। तो पहली उनकी बधाई। लेकिन इस जनादेश का असली विश्लेषण अगर हम लोग करेंगे, चाहे सब लोग यहां बैठ के और राजनीतिक तौर पे भाजपा में भी, तभी शायद हम लोगों की राजनीति या तभी कहीं जो सही दिशा में चीजें होनी चाहिए होंगी। मैं दो तीन चीजें देखता हूं। देखिए, 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, बड़ा जनादेश था। उसके बाद 16 सितंबर को यूपी के उपचुनाव के नतीजे आए तो मोदी जी का रथ रुक गया था। उसके बाद 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नतीजे आए तो फिर चल गया था। फिर 23 दिसंबर को फिर नतीजे आए, फिर चल गया था। और आज 10 फरवरी को फिर रुक गया। तो इतनी जल्दी जल्दी रथ ना चलते ना रुकते हैं, पहली बात। तो दोनों को अलग करके देखना चाहिए। देखिए दिल्ली का क्या, दिल्ली के जनादेश में भाजपा का परिप्रेक्ष्य देखिए क्या क्या है। हमें चिंता करनी चाहिए कि भाई अगर इतना बड़ा जनादेश इनके साथ गया। देखिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में है कि स्टैटिस्टिक्स को देख के आप अपनी जस्टिफिकेशन कभी भी क्रिएट कर लेंगे। बिल्कुल मैं कर सकता हूं। देखिए आज बिल्कुल मुझे अगर डिफेंड करना हो, मैं क्या कहूंगा कि भाई पिछली बार हमारी 34% वोट थी, अब की बार 33% वोट है। तो हमने अपना वोट 2013 में करा, तब हमारे 32 सीटें आई थी, लेकिन अब हम 3 पे आ गए। क्योंकि ये इलेक्शन हमारे वाले में तो था ही नहीं, ये इलेक्शन था कि कांग्रेस का क्या होगा या अन्य दलों का क्या होगा। और ये एक सत्यता भी है इसमें, 93 से अगर आपने सारे देखे हो, ये सत्यता भी है कि वोट का विभाजन कैसे होता है उस पर डिपेंड करता है। ये एक एक पक्ष होगा, ये एक पक्ष भाजपा का होगा। इसका दूसरा पक्ष क्या होगा कि भाई अभी 8 महीने पहले 46% हमें वोट मिला था लोकसभा में। ये भी एक सत्य है कि लोकसभा में जीतती हुई पार्टी को ज्यादा हमेशा मिलता है बनस्पत विधानसभा के, क्योंकि विधानसभा में वो क्षेत्र आता है। लेकिन मेरे को अगर वाकई चिंता करनी होगी तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई 46% का वोट अगर आज 34-33% पे आता है तो कहीं कुछ हुआ। एक तरफ है। दूसरा, मैं अगर इसको देखता हूं तो कहां कहां हमें विश्लेषण करना चाहिए कि क्या क्या हुआ। जैसे क्या चुनाव 8 महीने तक नहीं करवाने का फायदा हुआ या घाटा हुआ। हम लोग जीते थे, घाटा ही हुआ। मैंने तो बिंदु, मैं पहले क्या है, मैं बिंदु तय करें, पहली समीक्षा का पॉइंट तो एक्चुअली पहले बिंदु तय करें फिर उसकी समीक्षा करें और उसके निष्कर्ष निकालें, तब तो गए वाकई अच्छी चीज होगी। जी नहीं तो फिर क्या है, शब्दों के खेल, शब्दों के जाल में हम फंस जाएंगे, अपने आप को ही कहीं धोखा दे देंगे। जी तो पहला ही है। दूसरा देखिए क्या होता है, एक कल्पना थी कि दिल्ली के अंदर कहीं कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए। एमसीडी हमारे पास है, सरकार चेंज हो गई है, तो दिल्ली में परिवर्तन दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 49 दिन की सरकार के बनाम जितने दिन हम लोगों की सत्ता यहां जी है, 8 महीने सीधी सत्ता नहीं थी, ये भी एक सत्य है। हाँ? सीधी सत्ता नहीं थी तो राजनीतिक नेतृत्व जो है उसकी एक सीमाएं हो जाती है। सीधी सत्ता नहीं थी लेकिन तब भी जनता इस फर्क को नहीं मानती, जनता तो देखती है भाई आपकी सत्ता थी तो 49 दिन में ये हुआ, आप में क्या हुआ। तो कहीं ये पहलू भी देखने पड़ेंगे। तीसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो शायद हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, एक बार बार कहीं एक प्रभाव जाते रहे, ये एक संदेश जाते रहे, कभी हाँ कभी ना, हम सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तोड़ेंगे जोड़ेंगे नहीं करेंगे, मतलब हम चाहे कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो संदेश जाते रहे इससे स्पर्श और स्थिर राजनीति का संदेश नहीं गया। फिर आगे चलता हूं। आम आदमी पार्टी है, देखे जो जीता वो सिकंदर, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। आप जीते, आपने जो करा वो सही था, हमारे हमने जो करा वो गलत। बिल्कुल ठीक है। 4 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देते हैं,
कांग्रेस 1.5 महीना पहले कर देती। शायद क्या प्रत्याशी देर में घोषित हुए, उसका क्या प्रभाव रहा होगा इन चुनावों पे? बिल्कुल ठीक है, ये प्रश्न मतलब ये सारे आप टोक लेता हूं। हाँ कुछ बातों में सार्थकता है लेकिन कुछ बातों का और है। देखिए जब मैंने कहा हारते हैं तो हर चीज आपकी गलत है। नहीं मैं लेकिन मैं आपको कुछ और आपको बता दूं, मैं इसमें जिससे पूछी ये बात मैं 4 दिन से कह रहा हूँ, रिजल्ट देख के नहीं कह रहा हूँ मैं लेकिन मैं उसमें थोड़ा क्या मेरा फर्क है, जो अटैक वगैरह वाली बात है ना जी, मेरा मानना है कि इनका कितना प्रभाव, इनका प्रभाव 67 सीट पे नहीं आ सकता। नहीं मैं नहीं, इसका मतलब क्या है, देखिए ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, कंट्रीब्यूट मिलजुल कर रहे हैं। देखिए जब हवा चल रही है तो हवा को और तेज करने वाला तो वो तो हो सकता, लेकिन इसमें मोदी जी की थी। एक सेकंड, इसमें क्या, इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है ना कि इस चुनाव को एक सबक भी है जो उसको चर्चा करनी चाहिए कि क्या आखिरी मौके पे आप राजनीतिक नेतृत्व के जो फैसले कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं ये जो सारी चीजें वो भी एक पॉइंट हो सकता है। मैं जो बिंदु आपको क्यों ध्यान दिलवा रहा हूं कि ये बिंदुओं का गणित जब इनको जोड़ते हैं तो एक सिनारियो बनता है। आप किसी एक को आइसोलेशन में लेके उसको कहेंगे नहीं। सी इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच हैज कंबाइंडली कंट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंट सिनारियो। एक सवाल मेरा सुधांशु जी से है जी, इन चुनाव का विश्लेषण करें 2013 से लेके कांग्रेस पार्टी का शासन जो है 15 साल दिल्ली में रहा और 52 सीटों से 8 सीटों पर आने में उसको 10 साल लगे और 8 से 0 पर आने में उसको 9 महीने लगे। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे 33 सीटों से 3 पे पहुंच गई। तो जो फॉल है वो, और वो भी तब जबकि पूरे देश में एक आपके पक्ष में माहौल है, वातावरण है, मोदी सब सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में थी, मतलब कांग्रेस के पक्ष में परिस्थितियां नहीं थी, तब भी तो ये फॉल आपका ज्यादा है उसकी तुलना में। विनोद जी फिर देखिए क्या है, इसको सीट से ज्यादा, मैंने कहा ना 33% शेयर अभी भी वहीं पे है, जो कि शायद उसमें कुछ आंकड़े 1-8% कम हो गया होगा। सुमित जी तो वाकई और गंभीर बात है। नहीं 72% अभी बता रहे थे, 72% आप पार्टी को मिला है, 19 बीजेपी का 19% 19% अगर 19% आया है तो ये वाला तर्क नहीं चलेगा। जो तर्क है कि भाई हमने वोट रीगेन करा और बाकी 17 का नहीं चलेगा, क्योंकि इसके मतलब ये है कि आपका अपना समर्थक भी आपको छोड़ के गया क्योंकि कहीं आपसे वो नाराज हुआ, डिसिलेशन हुआ। नहीं, एक चीज मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस पर भी गौर नहीं करेंगे कि एक दो दिन का आने वाला आदमी, राजनीति जिसकी कोई रेखा ही नहीं थी, कोई लाइन नहीं थी जिसकी, एक इतनी पुरानी पार्टी जिसमें घाघ नेता बैठे हुए, जो अपने आप को नेता जिनको समझा भी जाता है और माना भी जाता है हिंदुस्तान में, एक ऐसे आदमी से ये पार्टी हार गई? मौलाना साहब देखिए, हार और जीत में अहंकार छोड़ दीजिए, उसका कारण बतला देता हूँ। नहीं मैं अहंकार नहीं बता, मैं आपका विश्लेषण का एक बिंदु आपको दे रहा हूँ, एक बिंदु आपको विश्लेषण ही बतला देता हूँ, विश्लेषण भी समझ दीजिए। देखिए राजनीति में जिसकी मुट्ठी बंद होती है ना, जिसकी मुट्ठी बंद होती है उसके साथ उम्मीदें और उसके साथ कल्पनाएं भी चलती हैं। शाहनवाज जी ने कल बोला था कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, वही मैं आज वही शाहनवाज कह रहे हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं वही आपको समझा रहा हूँ, अखिलेश थे यूपी में, कहां जीते हुए जाए, कभी मैंडेट देखा है? जात की राजनीति करने वाली पार्टी कितना 224 का मैंडेट लेके गई, इसके मतलब क्या है कि ना केवल उसको उसकी जात की मिली, तमाम लोगों ने वोट दिया। क्यों? क्योंकि मुट्ठी बंद थी, उम्मीदें थी। वो उम्मीदें जब साकार नहीं होती हैं तो नतीजा हश्र क्या होता है। जो मैंने कहा आज आपका दिन है, आपको बधाई, आपसे उम्मीदें हैं, आपको शुभकामनाएं हैं। एक चीज और, लेकिन मुझे लगता है समय तो है ही नहीं राजनीति में। अगर आप समय का इंतजार करेंगे तो आप अपनी रेलेवेंस खो देंगे, क्योंकि बिहार है सरकार। नहीं, वो तो एक अलग है जी, बिहार है, अभी तो चुनाव तो होते रहेंगे। हाँ। और क्योंकि पूरे राष्ट्र के स्तर पे उसके पटल पे आपकी छाप है तो इसलिए स्वाभाविक है कि करना। दूसरी बात नहीं, दिल्ली अब उत्तरदायित्व भी तो है ना, हार बोलते हैं ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो अगर आज हमारा रोल प्रतिपक्ष का होना है तो हमें फौरन चालू करना पड़ेगा काम।